प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 4 में दिए गए एक्टिविटी नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 2 में क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसके आंसर्स हमको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज माधव वरिड। ये कहानी हमने अच्छे से रीडिंग की, उसे समझा। तो इस कहानी में जो माधव था वो कि हमेशा चिंतित रहा करता था। आंसर, माधव वॉज वरिड बिकॉज, माधव चिंतित रहता था क्योंकि हिज सन्स डिड नॉट हेल्प हिम इन द फील्ड। क्योंकि माधव के दो बेटे थे और दोनों ही काफ़ी आलसी थे और खेती करने में उसकी मदद नहीं किया करते थे। तो आपको लिखना है, His sons did not help him in the field. Question number 2. Where did Madhav take Pankaj and Rajan one day? Madhav ne apne dono beto ko ek din kahan lekar gaya tha? To jaise ki humne kahani padhi aur Madhav apne dono beto ko apne khet par le gaya tha. One day Madhav took Pankaj and Rajan to, ये पहले से दी गई है, तो यहाँ में जो फिल इन द ब्लैंक से हमें सिर्फ द फील्ड यानी खेत पर लिखे गया था। व्हाट डिड पंकज एंड राजेन सो इन द फील्ड। पंकज और राजेन ने खेत पर क्या बोया था। पंकज एंड राजेन सोड पैडी इन द फील्ड। पंकज और राजेन ने अपने खेत पर धान बोया था। What did Pankaj and Rajan realize at last? Pankaj और Rajan को अंतिम में क्या समझ में आया? At last Pankaj and Rajan realized that hard work is always rewarded. Pankaj और Rajan को ये समझ आया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, यानी कड़ी मेहनत करने पर उसका फल जरूर मिलता है। तो इस एक्टिविटी में हमने चारों क्वेश्चंस देखे और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसे आपको वीडियो को देखकर अपनी किताब में भर लेना है। थैंक यू।